हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसी के कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन आता है, कभी कभी यही क्वेश्चन ही दे देता है। आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन की बात करूंगा, वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो 100% श्योर है कि एग्जाम में आता है। जी हाँ दोस्तों, 100% श्योर वो एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, खास करके रेलवे में, खास करके SSC में, खास करके तुम्हारा यूपी स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ये ज़रूर क्वेश्चन आता है। दोस्तों, आपको मैं सीधे क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन पे चलने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा आपको सारा वीडियो आप तक वो पहुंच सके, आप तक नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख लें। आसान शब्दों में मेरे इस सभी वीडियो में आपको आसान शब्दों में आसानी से क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। कहने का मतलब, आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो आपका बोट एंड स्ट्रीम से हो, किसी भी टॉपिक से हो, आपको आसानी होगी समझने में और एकदम आसान शब्दों में आप तक जो है क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आइए मैं इस क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये रहा मेरा क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में ऊपर लिखा हूँ, तो ये टाइम एंड वर्क जो है टॉपिक का क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितने एग्ज़ाम बच्चे दे के आए हैं, लोगों ने कहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, या कहें यही क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा है, किसी किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन जब आप समझे रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी किसी चीज़ में, किसी बात को समझने में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आपका क्वेश्चन क्लियर तो आपको आसानी होगी आंसर देने में। यहाँ लिखा है, किसी किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन दे रखा है। यदि 15 दिन बाद, जी हाँ दोस्तों, यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक अन्यत्र चले जाएं, तो शेष सामग्री या शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगी या कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। कहने का मतलब, यहाँ दिन की संख्या पूछ रहा है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे सलूशन देख पा रहे होंगे, एकदम शॉर्ट मेथड में आपको दे रखा हूँ। जी रहा, माना यक्ष दिनों के लिए खाद्य सामग्री चलेगी। जी हाँ दोस्तों, यक्ष दिनों के लिए हमने मान लिया कि खाद्य सामग्री चलेगी। सीधे सीधे ये लिखा है 1200 सैनिकों के लिए, हमने भी लिख दिया 1200 सैनिकों के लिए। कह रहा 15 दिन बाद, 15 दिन तक तो ये अगर बात रहती, अगर 60 दिन तक इनके लिए चलता। जी हाँ दोस्तों, 60 दिनों के लिए 1200 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री थी। जस्ट 15 दिन बाद क्या कह रहा है कि 200 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं किसी दूसरे कैंप में, फिर कितने दिनों के लिए भोजन चलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट, यही आपको पकड़ना है। यहाँ सीधे सीधे 1200 दे रखा है आपको, 1200 में कह रहा 15 दिन तक। कहने का मतलब, अगर 60 से 45 दिन तक तो ये चलेंगे, 45 दिन 15 दिन तक तो खाए, तो ये 15 दिन तक जो है, 15 दिन के बाद तो 45 दिनों तक, कहने का मतलब 1200 सैनिक थे और उसके बाद हुआ क्या, 200 अन्यत्र चले जाते हैं, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगी। सीधे सीधे हमने माना यक्ष दिनों के लिए, चले कितने गए 200, थे कितने 1200, 1200 से 2 निकालेंगे आपको 1000 मिलेगा। तो सीधे सीधे आप बस इस लाइन को समझिए, आपका आंसर आया। यहाँ 1200 आप लिखे, फिर 60 - 15 डेज, क्योंकि 15 दिन बाद वो अन्यत्र जाते हैं, अब कितने गए 200 गए, तो बचे 1000 मल्टीप्लाई यक्ष दिनों तक चलेगा। अब सीधे सीधे आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 1200 यहाँ जो है 60 से 15 घटाएंगे तो 45 मिलेगा, उसके बाद ये 1000 मल्टीप्लाइड यक्ष, सीधे सीधे ये 00 कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व किए आप, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैं सॉल्व करके मैं बताया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, 5 से अगर आप काटेंगे 5 × 2 = 10 होगा, और उसके बाद यहाँ से 5 × 9 = 45, उसके बाद ये 2 से काटेंगे तो 2 × 6 = 12, और ये 6
मल्टीप्लाई विथ 9, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं लगभग 54 दिन तक ये पर्याप्त चलेगा। तो 54 दिनों के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 54 डेज के लिए इनका जो है भोजन चलेगा। तो यहाँ दिनों की संख्या पूछा है तो आप सीधे सीधे 54 डेज बोले। एक नोट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और यहाँ पे कह रहा है 200 सैनिक अन्यत्र चले गए। अगर इसमें 200 या जुड़ जाते या 100 सैनिक जुड़ जाते तो उसमें आप क्या करते, वहाँ पे जो माइनस हुआ है वहीं आप जो है यहाँ पे 1200 माइनस 200 हुआ तो आपका 1000 आया, तो सीधे सीधे वहीं आपका जो है 1200 में अगर 100 आते तो जाके जुड़ जाता, तो 1300 सैनिक और इंक्लूड हो जाते, वहाँ दिनों की संख्या आप फिर से बता देते। तो इस तरीके से आप इसमें नीचे मैं नोट लिखा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, नए व्यक्तियों के आने पर प्लस चिन्ह का प्रयोग होता होगा तथा कुछ व्यक्तियों के चले जाने पर माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। अगर नए आ रहे हैं तो जुड़ रहे हैं और जा रहे हैं तो घट रहे हैं। तो सीधे सीधे आप इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप अगर नए व्यक्ति आते हैं तो आप प्लस करके बताइए दिनों की संख्या, अगर जा रहे हैं तो घटा के बताइए। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, आप मेरे इस वीडियो पे इस तरीके के जो एग्ज़ाम में 100% श्योर क्वेश्चन हैं आते हैं तो मैं लेके आता हूँ, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हो सके तो दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हो सके कि एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन 100% आता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करते रहिए नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।